मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं और थोड़ी ही देर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम की शुरुआत भी हो जाएगी। आपको पता है, बच्चे हो या बड़े, महिला हो या पुरुष, हर वर्ग के लोग खेलों में हिस्सा ले सकते हैं। 70 लाख एंट्रीज आपको बताया इन खेलों के लिए की गई है, जो कि एक बड़े डिजिट हम देखते हैं। साथ ही में लोगों का उत्साह भी इससे मालूम चलता है कि लोगों में इन खेलों को लेकर कितना उत्साह देखा जा सकता है। साथ ही में तैयारियों की बात करें तो तैयारी भी प्रशासन द्वारा पूरी की जा चुकी है। इन खेलों को लेकर के काफी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, सभी के मन में उत्साह था, तो वहीं आज वो दिन आ गया है जब आज से खेलों की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह भी कार्यक्रम में शिरकत कर चुके थे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे जोधपुर से संवाददाता जितेंद्र डूडी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, हम देख रहे हैं कि आज से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है? कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे जो है तमाम जो कांग्रेस के नेता उन सबसे मुलाकात की है और उनके साथ ही अब जो है खेल मैदान जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा वहाँ पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पे राजनेताओं ने उनका फूल मालाओं से और स्वागत किया है और कुछ ही देर में इस खेल का जो है आगाज हो जाएगा, जहाँ पे तकरीबन 29,80,000 से अधिक जो है पूरे खिलाड़ी जो इस खेल के अंदर भाग लेंगे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के अंदर। तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है और ग्रामीणों में खास तौर पर महिलाओं और पुरुषों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिले। जी जितेंद्र, देखिए इसी के साथ आपसे पूछना चाहूंगी कि राजनीतिक दृष्टि से अशोक गहलोत के इस दौरे को किस तरह से देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण दौरा भी कह सकते हैं। जिस तरीके से हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो जिस तरीके से घमासान चल रहा है उसको लेकर के भी राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा सकता है। 3 दिन का दौरा है, 3 दिन जोधपुर में रुकेंगे और कई महत्वपूर्ण कार्यों का जो है विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा और खेल का, विशेषकर आज जिस तरीके से खेल का उद्घाटन हो रहा है उसको लेकर काफी लोगों में उत्साह है, ग्रामीणों में उत्साह। जी जितेंद्र, देखिए साथ ही में एक नजर डालते हैं कि एक बड़ी ही खास बात है इन खेलों की कि हर वर्ग के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, इसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग और युवा महिलाएं यहाँ तक कि 60 से 70 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो हैं वो भी इसमें भाग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफी खेल को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर मुख्यमंत्री का जो ये आगाज है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो सकता है। जी देखिए, साथ ही में नजर डालें कि जैसा कि अभी आपने बताया कि हर वर्ग का लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं, तो सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, पुलिस ने चप्पे चप्पे पर जो है छावनी में तब्दील कर रखा है क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा है, खास तौर पर ऐसी कोई ऊंच नीच ना हो जिसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है पूरे गांव को जो है छावनी में तब्दील कर रखा है। जी जी जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। किस्म का ही एक भावना के साथ लोग आते हैं, पद यात्री आते ज़्यादा आते हैं और जो लोग सेवा करते हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए कि इतनी संस्थाएँ आगे आके
जगह रामलोटे खोलती है, जगह जगह उन यात्रा करने वालों को जिस प्रकार से सहयोग करती है, सुविधा देती है, वो तारीफ के काबिल है, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं। ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ हो रहा है सर, इसके बारे में पूरे प्रदेश के अंदर 30 लाख लोग एक साथ खेलेंगे और करीब 2,25,000 टीमें बनी हैं, 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं खेलने वाली और सभी उम्र के सभी लोग खेलेंगे एक साथ में। अभी जो अभी पिछले 7 दिन से जिस प्रकार वो प्रैक्टिस कर रहे थे गांव में, तो करीब 50-60 हज़ार वीडियो आ गए हमारे पास में, इतना उत्साह लोगों में है। तो मुख्य बात है कि राजस्थान में खेलों का माहौल बने, राजस्थान में जो प्रतिभाएं हैं गांव में, कस्बों में, शहरों में, उनकी खोज हो, इन खेलों के माध्यम से खोज भी होगी, उन प्रतिभाओं को फिर जो है तराशने के काम भी करना पड़ेगा, उनके लिए अच्छे कोच लगाएं, उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो, उनकी सुविधाएं दें, जिससे कि हमारे खिलाड़ी जो है एशियाड हो या कॉमनवेल्थ हो या ओलंपिक हो या अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मैच हो, उसमें वो राजस्थान के खिलाड़ी भाग ले सकें और कामयाब हो सकें, ये हमारा प्रयास है। इसीलिए इस ग्रामीण राजीव गांधी जी ने 82 जो एशियाड हुआ था तब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं, बड़े ही भव्य तरीके से उनका स्वागत भी किया गया है